गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। दिस इज योर साइंस लेक्चर, जिसमें आज से हम साइंस का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। सो एवरीवन प्लीज टेक आउट योर साइंस नोटबुक प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज वर्क। ओके, तो बेटा आज से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, साइंस में। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हम ट्रू फॉल्स देखने वाले हैं, सो मेक अ टाइटल CW, और आज की डेट कौन सी है, 27, यस, ओके। नाउ मेक अ टाइटल रिवीजन, REVISION, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन वन आपको डालना है, ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें ट्रू स्टेटमेंट के सामने आपको T लिखना है और फॉल्स के सामने आपको F लिखना है। गलत स्टेटमेंट हो उसके सामने आपको F लिखना है, ओके। नंबर वन, इन समर, SUMMER, समर यानी गर्मियों के सीजन में, इट इज़ वेरी कोल्ड, ठंड बहुत रहती है, कोल्ड मानी ठंड, तो ये तो गलत है। इट इज़ वेरी कोल्ड, कोल्ड मानी फॉल्स, गलत है। गर्मियों के सीज़न में, समर में क्या होता है, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा होती है ना, हॉट सीज़न होता है, तो आपको आपको क्या करना है, यस स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द सेकेंड, इन विंटर यानी विंटर में, ठंडियों के सीज़न में, वी पुट ऑन वुलन क्लोथिस, हम ऊन के कपड़े पहनते हैं, तो ट्रू है। हम ठंडियों के मौसम में वुलन के क्लोथ्स, वुलन मानी जो ऊन के कपड़े बोलते हैं ना बेटा, गर्म कपड़े, वो पहनते हैं, तो वो ट्रू आएगा, तो सामने आपको T लिखना है। थ्री है, इन द रेनी सीज़न They are wet, ओके, यस। जब बारिशों की सीज़न आती है, बारिशों की ऋतु आती है, तभी कैसे दिन होते हैं, वेट मानी गीले, भेज वाले होते हैं ना, तो ये सही है, तो सामने आपको T लिखना है। क्या लिखना है, T। ऑन सनी डेज, सनी डेज मानी गर्मियों के दिनों में, द वेदर इज़ डल, ओके, तो वेदर कैसा रहता है, डल रहता है, डल मानी धुंधला हुआ, तो ये तो गलत है, क्योंकि सनी डेज में तो सन होता है, तो एकदम से वेदर एकदम से ब्राइट होता है बेटा, तो ये फॉल्स है। जब भी फॉल्स होगा हम F लिखेंगे। द मून इज अ बिग बॉल ऑफ फायर, तो जो मून है वो बिग बॉल ऑफ फायर है, यानी मून हमें गर्मियाँ देता है ऐसा निकलता है, बट फॉल्स, सन इज द बिग बॉल ऑफ फायर, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, द सन इज द बिग बॉल ऑफ फायर। नंबर सिक्स, द मून इज स्मॉलर देन द सन, द मून इज स्मॉलर देन द सन, तो ट्रू है, मून है जो सन से छोटा है। ओके स्टूडेंट, आज का आपका होमवर्क रहेगा लर्न क्लास वर्क, ओके। सो आज का जो वर्क है वो आपको लर्न करना है, डेली का वर्क करना है, क्योंकि एग्जाम्स नज़दीक है आपके, नेक्स्ट मंथ से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, ओके स्टूडेंट। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एवरीवन।